जहां आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस जिंदगी का हर एक शोबा मुतासिर है, वही लोगों की आमदनी के जराए भी कम होते नजर आ रहे हैं। इस सब के दरमियान श्रीनगर शहर का स्क्रैप मार्केट दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है, क्योंकि यहां तामीरी काम में इस्तेमाल होने वाला सामान आसानी से बल्कि वाजिब कीमतों पर दस्तियाब है। पुराना सामान है, लकड़ी का सामान भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, ये भी मतलब पुराने मकान गिराते हैं उनका सामान हमारा पास आता है, फिर गरीब गुरबात लोग आता है उनको ले जाता है, हॉप रेट में जाता है, अच्छा रेट में भी जाता है, मगर काम चलता रहता है। घर की खिड़कियां हो या दरवाजे, मेज हो या अलमारी, सब यहां फरोख्त किया जाता है। इसके अलावा मुल्क की दीगर रियासतों और बिरोनी ममालिक से भी लोग यहां कश्मीरी तारीख के नायाब चीजों की तलाश में आते हैं। अब काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा काम ढीला हो गया था, दो चार महीने चला नहीं, लेकिन उमर साहब का कारखाना, बाकी लकड़ी का काम करा, शस्त्र का काम करा, लेकिन सॉरी काम अच्छा निकलता है, ऐसी बात नहीं है, चलो हमारी भी रोजी पानी अच्छा निकल रहा है। इस बाजार को तकरीबन 35 बरस हो गए हैं और तब से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ नई पुरानी लकड़ी और लोहे का सामान मिलता है। इस मार्केट में हर एक चीज दस्तियाब होती है। जब कोई अपना पुराना मकान गिराता है तो वो सारा सामान इनके पास यहाँ आता है, फिर गरीब और पसमानदा अफराद इस सामान को खरीदते हैं। अक्सर सामान आधी कीमत पर फरोख्त किया जाता है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुलकरनैन जुल्फी की खसूसी रिपोर्ट।